और अब बात डुमरी के दंगल की। डुमरी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रचार प्रसार का शोर बढ़ता जा रहा है। चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशी और उनके दल के नेता सहयोगियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ताबड़तोड़ प्रचार का दौर चल रहा है, जुबानी जंग भी तेज है, वादे दावे और निशाने साधे जा रहे हैं। आज डुमरी के दंगल में एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन की चुनावी सभा होने वाली है, जहां वो जेएमएम प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के मंत्री नेता भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। इधर एनडीए की तरफ से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी डटे हैं। आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी की भी सभाएं हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी सभा को संबोधित करेंगे। तो डुमरी के दंगल में जोर आजमाइश जारी है, दिग्गजों ने ताकत झोंक रखी है। आज भी दिग्गजों की चुनावी सभा, सीएम हेमंत सोरेन, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अन्नपूर्णा देवी, रघुवर दास, इन तमाम नेताओं की सभा होनी है आज। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी चुनावी सभा करने वाली हैं। डुमरी के दंगल में प्रचार प्रसार के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक रखी है। दोनों गठबंधन दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, वायदे दावे और जुबानी जंग अपने शबाब पर। एनडीए की तरफ से पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास चुनावी सभा करने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी सभा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी जनता को संबोधित करने वाली हैं। आपको बता दें कि 5 सितंबर को वोटिंग होनी है डुमरी में। और सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डुमरी से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है, कोई भी दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो जनसभाएं हो, वायदे हो, दावे हो या फिर जुबानी जंग हो। जी बिल्कुल, जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे लगातार जो राजनीतिक पारा है डुमरी विधानसभा क्षेत्र में वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से तमाम हैवीवेट जो झारखंड की राजनीति के हैं वो डुमरी में कैंप लगातार कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज भी कई बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं, पॉकेट मीटिंग के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम निर्धारित है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में डुमरी प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। चंद्रपुरा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कार्यक्रम है। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी आज से लगातार 3 तारीख तक डुमरी के उपचुनाव को लेकर इस क्षेत्र में कैंप करेंगे। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, कांग्रेस कोटे की विधायक अंबा प्रसाद के अलावा जो कांग्रेस कोटे के अन्य मंत्री हैं, तमाम लोगों को यहां पर कैंप करने का निर्देश दिया जा चुका है। मंत्री हफीजुल हसन लगातार इस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। जुबा मांझी का चुनाव प्रचार हो रहा है, चंपई सोरेन को भी आज यहां पर आना है। तो सत्तारूढ़ गठबंधन पूरी ताकत और शिद्दत के साथ इस उपचुनाव में डुमरी को रिटेन करने की बाजी में लगातार पूरी ताकत झोंक रहा है। ठीक इसी तरीके से जो मुख्य विरोधी घटक है एनडीए, उसके तरफ से भी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ अन्य जो बड़े चेहरे हैं वो डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में फोकस कर रहे हैं। तो आरती, जिस तरीके से बात करें तो इस उपचुनाव में जहां राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी है, वहीं जिला प्रशासन भी अपने तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ इस उपचुनाव को फेयर कराने की कवायद में जुटा हुआ है। आप देख सकती हैं लगातार जो बैरिकेटिंग बनाए गए हैं वहां पर चेकिंग, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है आने जाने। विपिन, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। एंट्री कराई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से,
देखिए, ताकि जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार जो फेयर इलेक्शन का दावा जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, उसी कड़ी में विभिन्न जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और चेकिंग के जरिए लगातार इस बात को लेकर प्रशासन लोगों को ताकीद कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी अगर कोई करना चाहेगा तो उस पर पुलिस प्रशासन की नजर है। कुछ दिन पहले नगद की बरामदगी भी हुई थी, तो हर तरफ से चाहे वो जिला प्रशासन हो, राजनीतिक दल हो, आम मतदाता हो, सब अपने अपने स्तर से ये जो डुमरी उपचुनाव का महापर्व है उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। फिलहाल आज से जिस तरीके से अब प्रचार लगातार तेज हो रहा है, बड़े चेहरे लगातार पॉकेट मीटिंग के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन और छोटी जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है 5 तारीख को उपचुनाव। पूरी ताकत के साथ दोनों प्रमुख गठबंधन लगा हुआ है। अब 5 तारीख को जनता की बारी है और 8 तारीख को फैसला आना है, लेकिन फिलहाल झारखंड का पॉलिटिक्स डुमरी के उस उपचुनाव में शिफ्ट हो चुका है। आरती, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका विपिन। तो देखिए, सियासी जो दावपेच है, जुबानी जंग है, वायदे हैं, दावे हैं, और ये सब डुमरी उपचुनाव में फिलहाल देखने को मिल रहा है। वोटिंग से पहले दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।